गर्भवती महिला की उपचार के दौरान हुई मौत, अस्पताल स्टाफ मौके से हुआ फरार। रुड़की के पिरान कलियर में उपचार के दौरान गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। हंगामा होता देख अस्पताल स्टाफ मौके से चंपत हो गया। मामले की सूचना पाकर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल भेजा। जानकारी के मुताबिक नाजिया पत्नी अब्दुल मलिक निवासी बेटपुर पिरान कलियर को सोमवार रात को बेटपुर चौक स्थित प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों के मुताबिक अस्पताल में कोई चिकित्सक नहीं आया और अस्पताल के स्टाफ ने महिला को दर्द के इंजेक्शन लगाए। आरोप है कि महिला दर्द से कराहती रही और अस्पताल स्टाफ इंजेक्शन लगाता रहा, लेकिन कोई चिकित्सक नहीं आया, जिसके चलते महिला ने बाद में दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद परिजन और रिश्तेदार मौके पर इकट्ठा हुए, अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। ये है कि जब मेरे घर वाले की जो खांसी की प्रॉब्लम थी, तो मैं कहीं और भी लेगा तो उनको, उसने उसने देख को हालत को उसने मने कर दी। अब उन्होंने कहा भाई प्राइवेट में ले जा या सरकारी में ले जा, तो मैंने सोचा भाई गाँव के नजदीक ही गाँव में अच्छा रहेगा, तो मैं यहाँ लाया। यहाँ ला के डॉक्टर को दिखाई है जी, इनमें यहाँ कभी रोट की तुम्हें यहाँ आके दिखाया। मैं भाई अब यहाँ कंप्यूटर थे, मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब कहाँ? उन्होंने कहा भाई बैठ जाओ आ रहे हैं, मैं फोन कर रहा हूँ 10 मिनट में आ रहे हैं। तो हम रुक गए, जब 10 मिनट में आ रहे हैं तो हम भी रुक गए। अब उसने वहीं से फोन किया भाई कैसी हालत है, मगर इसको दर्द हो रहा ठीक है, इसी वजह से उसको बच्चेदानी मतलब दर्द हो रहा था यहाँ पोडू में। उन्होंने कहा वो सुहाँ लगा दो उसको, उन्होंने फोन पर बात करके वो सुमा लगा दो। उन्होंने कहा भाई आधा घंटे में आराम हो जाएगा। हाँ वहीं से फोन करके डॉक्टर कर, उन्होंने कहा भाई आधा घंटे में आराम हो जाएगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आधा घंटा भी हो जाएगा, आराम से आराम हो तो क्या मतलब हम हो। तो इसलिए फिर जब आधे घंटे के बाद आराम नहीं हुआ, मैंने कहा भाई खड़े बस का नहीं आएगा, डॉक्टर आ रहे नहीं आ रहे मैं बताओ। तो उसने बोला फिर फोन कर, उन्होंने कहा फिर दूसरा फोन लगा दो, तो इसलिए उन्होंने फिर दूसरा लगा दिया। मगर भाई फिर बताओ अब जब डॉक्टर आ रहे 5 मिनट में आ रहे 10 मिनट में आ रहे, नहीं हो तो 11:30 के बजे 2:30 है, 2:30 आकर उन्होंने खैर देखा देखा फिर सुहाँ लगा दिया है जी, नहीं हो तो 3:00। उसे कुछ सुकून सा मिला, जब इतने सुहाँ लगाए तो सुकून सा मिला। तो मेरा भाई भी था मेरी भावज भी थी, मैंने कहा भाई कम घर चले जाओ। मैं फिर उसके बावजूद मेरे को बोला भैया तू मगर ये फिर डॉक्टर साहब अब तो सुकून मिलेगा, अब तो मुझे बताओ मैं आराम से रहूं या कहीं और ले जाऊं। अगर नहीं तुम सुकून से रहो मैं कहीं कुछ जान लेता, सुबह को इंशाल्लाह तुम अपने घर ले जाइए ठीक है कोई बात नहीं। तो इसलिए फिर हम फिर नहीं बोलते रहे, अपना ट्रीटमेंट करते रहे, मैं हम उनके भरोसे में रहे भाई कर रहे अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं जी। तो इसलिए उन्होंने फिर सुबह को 7:30 में अपनी भाभी को फोन करा भाई को, मगर कुल मिला के बात ही 8 बजे करीब इन्होंने उनको जमीन के बस का नहीं रहा, उन्होंने जहर का सुमा लगा। क्या नाम था आपके अहले पत्नी का, क्या नाम था? मेरा नाजिया, तो उसका घर वाली का नाम नाजिया। कहाँ से आए हो आप लोग? मैं बेड़पुर से। तो आपने इसकी पुलिस में शिकायत की? पुलिस में तो क्या, पुलिस सारे काम हो लिए, पुलिस भी आ ली थी ना, तो सारे काम हो गए। डॉक्टर तो जब जब उनका दम निकले ना जब छोड़ के भाग लिए, 10:30-11 के लगभग यहाँ पे ले गए तो दर्द हो रहे थे हल्के हल्के, तो इन्होंने हमने यहाँ से आकर बोला था डॉक्टर साहब नहीं आया। तो इन्होंने 1 बजे के लगभग तक के डॉक्टर को बुलाया, एक इंजेक्शन इन्होंने लगाया दर्द का, उन्होंने डॉक्टर ने बताया था इन्होंने। तो 1 बजे के बाद डॉक्टर साहब आए, उन्होंने फिर आकर एक इंजेक्शन और लगवाया खांसी का, तो उसमें कुछ आराम हुआ खांसी को फिर दर्द को भी, तो 3 बजे तक के आराम हो गया था, सो गए थे 3 बजे तक के। फिर हम चले गए घर, सिर्फ 2 इंजेक्शन लगे तब तक के, हम घर चले गए थे सो गए थे। 4 बजे के बाद यहाँ से आकर देखा तो इंजेक्शन में कितनी बड़ी पोटली भर रखी, इंजेक्शन इंजेक्शन लगा रहा ना कुछ खिलाया ना पिलाया तब तक इन्होंने, और अभी आकर जो पता लग गया। क्या नाम है महिला का? महिला का ही नाजिया। पति का? अब्दुल मालिक। पैसे भी जमा करवा लिए, तो भाग गए सब, यहाँ कोई भी नहीं है,
हंगामा होता देख अस्पताल स्टाफ मौके से भाग गया। मामले की सूचना पाकर पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। उन्होंने परिजनों को शांत कराने का प्रयास किया और बामुश्किल शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस पूरे मामले पर एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि पिरान कलियर में कुछ लोगों द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई। उन्होंने कहा कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम थी और अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कलियर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अस्पताल में उपचाराधीन महिला की मृत्यु होने पर उसके परिजनों के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि इलाज में लापरवाही के कारण उक्त महिला की मृत्यु हुई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और परिजनों की मांग है कि अस्पताल के मालिक से उनकी वार्ता कराई जाए। इस संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं, बाकी अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।